गुड मॉर्निंग बच्चों, लेकर आए हैं फिर से हम आपको बहुत ही सुंदर सी कहानी, क्लास फिफ्थ की इंग्लिश की कहानी, और जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे देश में ऐसी ऐसी वीरांगनाएँ, ऐसे ऐसे महान हस्तियाँ इस भूमि पर, इस भारत भूमि पर पैदा हुई हैं, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश की जनता के उत्थान के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। कितनी कुर्बानियाँ दी। हमारे देश में पुरुष ही नहीं, महिलाओं ने बहुत योगदान किया हमारे देश की आज़ादी के लिए। तो ऐसी एक वीरांगना हमारे देश में पैदा हुई, जिनका नाम आपने सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम मनु था, और किस तरह से इन्होंने, कितनी बहादुरी से इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अपने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये सारी जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो के लिए और इस तरह की वीडियोस के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिसका नाम है RP पब्लिक स्कूल। और कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। देखो, हम कई बार कहते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हों, प्लीज़ आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में जाकर जरूर हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे पढ़ाने का ढंग कैसा लगा। और क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं और आपसे जब बातें करते हैं वीडियो के माध्यम से, तो आपको नहीं पता कि हमें कितनी प्रसन्नता होती है, बहुत आनंद आता है कि हम, ईश्वर ने हमें कुछ इस लायक बनाया है, कुछ हमें ऐसा दिया है कि हम आपको कुछ दे पाने की यानी देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दे पा रहे हैं। हम ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। तो आपका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये जिम्मेदारी बनती है कि आप कम से कम अपने शब्दों के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन कर दें, और लाइक करके हमें कम से कम ये बता दें कि हाँ, आपको हमारा पढ़ना अच्छा लगा। तो हमें आपसे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर ये सारी बातें जरूर शेयर करेंगे, हमसे शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर दूसरे लोगों से करेंगे, अपने दोस्तों से करेंगे, रिश्तेदार से करेंगे, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मैं बता रहा था कि ये कक्षा 5 की जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, रानी लक्ष्मीबाई। ये रानी लक्ष्मीबाई में आपने ज़रूर नाम सुना होगा कि इन्होंने किस तरह से 1857 की लड़ाई में लड़ाई लड़ी। इनके अपनों ने इनको धोखा दिया, इनके पति इनकी शादी के बाद बेचारे एक्सपायर हो गए। इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, अंग्रेजों ने उस गोद लिए पुत्र को राजा बनाने से अनुमति कर दी, सॉरी राजा बनाने की अनुमति नहीं दी, उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया कि हम इसको राजा मानते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई ने किस तरह से अपने किले को, अपने राज्य को, जनता को बचाने के लिए किस तरह से अपने जीवन का बलिदान किया, जीवन की कुर्बानी दी। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, हमें अपने महापुरुषों से, अपने पूर्वजों से, ये हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए, हमें सुरक्षित करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया इस देश के लिए। लेकिन आज हम हैं कि कहीं ना कहीं उस बात को भूल बैठे हैं, उनकी कुर्बानी को भूल बैठे हैं। तो आज हमें फिर से उस कुर्बानी के लिए, उस महान वीरांगना को याद करने का समय है। और हमारी जो माताएं, बहनें, बहन बेटियां इस वीडियो को देख रही हैं, सुन रही हैं, तो आपको भी ये सोचना है, समझना है कि किस तरह से, क्योंकि आजकल देखा गया है कहीं कहीं कि लड़कियों को कम पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को कम पढ़ाते हैं, लोग बाहर भेजना पसंद नहीं करते हैं, बाहर निकालना पसंद नहीं करते हैं। तो ये गलत है। देखिए, आप भले तो जग भला, हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। कुछ लोग माता पिता इस डर में रहते हैं कि हमारी बेटी बाहर जा रही है, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए। ऐसा नहीं है। अगर हम सही हैं, ऐसा देखो तभी होगा जब हम कमज़ोर होंगे। हमें रानी लक्ष्मीबाई की तरह बनना है, हमें झांसी रानी की तरह बनना है। जब आप ऐसे होंगे, आप बहादुर होंगे, तो आप कोई तरफ कोई आँख उठा कर देख नहीं सकता। लेकिन आप बहादुर तभी बनेंगे जब थोड़ा कदम बाहर निकालेंगे, क्योंकि कुएं का मेंढक ना कुएं के बारे में जानता है। जब आप बाहर निकलेंगे तभी आपके अंदर हिम्मत आएगी, शक्ति आएगी, लोगों से बात करने का सलीका आएगा, बाहर निकलने से आपके अंदर थोड़ा साहस आएगा, तब आप बहादुर बनेंगे। घर बैठे बैठे बहादुर नहीं बन सकते। तो मेरा सब इस निवेदन है इस वीडियो को देखने वालों से कि अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाइएगा, जरूर बाहर निकालिए, बहादुर बनाइए, जिससे वो अपनी विषम परिस्थितियों का सामना खुद डट कर सकें। इस कहानी में यही सब बातें लेकर आए आपके लिए। चलिए पढ़ाते हैं किताब। तो आइए प्यारे बच्चों, अभी हम बता रहे थे झांसी की रानी के बारे में, तो पढ़ लेते हैं इस किताब के माध्यम से इस कहानी को। बहुत ही सुंदर कहानी है। देखिए, बुक है अत्यंत सीरीज की इंग्लिश रीडर बुक, कक्षा 5 की, क्लास 5 की। जैसे कि हम बता रहे थे कि हमारे देश में बहुत सी वीरांगनाओं ने जन्म लिया है, उन्हीं में से एक थी रानी लक्ष्मीबाई। पढ़ लेते हैं उनके बारे में। जैसे कि हम हर बार बताते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसमें ज़्यादा माहिरता हासिल करने के लिए, हम उसके जो शब्दकोश है उन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके थोड़े वर्ड मीनिंग हैं, शब्दार्थ हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जैसे आपको थोड़ा इसे
आपके ज्ञान में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं इसके मीनिंग्स। देखिए पहला वर्ड है वॉरियर। वॉरियर देखो यहाँ वॉरियर्स लिखा हुआ बच्चों, इस पर ध्यान मत देना, वॉरियर्स पे वॉरियर है ये, इसमें थोड़ा गलत है क्योंकि यहाँ आर है, आर का मतलब जा तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है बच्चों। तो आप ध्यान देंगे ये वॉरियर है, वॉरियर मीन्स होता है योद्धा। योद्धा मतलब जो लड़ाके होते हैं युद्ध में, जो लड़ते हैं सैनिक वगैरह, उनको योद्धा बोलते हैं। फिर इन्फ्लुएंस लिखा है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। इन्फ्लुएंस माने प्रभाव होता है, इफेक्ट माने प्रभाव होता है, तो इन्फ्लुएंस माने प्रभाव। फिर हीरोइक माने होता है वीरोचित, वीरोचित मतलब होता है वीरतापूर्वक, समझ रहे हैं ना, वीरोचित मतलब वीरता के साथ किया गया काम, उसे हीरोइक कहते हैं। फिर टॉपिक, टॉपिक का मतलब होता है विषय। फोक सॉन्ग, फोक सॉन्ग का मतलब होता है लोकगीत, यानी कि जो हमारे क्षेत्रीय जो गीत गाए जाते हैं उनको लोकगीत कहते हैं, तो फोक सॉन्ग उसको इंग्लिश में कहते हैं। फिर है बैलेड्स, बैलेड्स का मतलब होता है गाथा गीत, गाथा गीत, जैसे कि आपने आला वगैरह सुनी होगी वो गाथा गीत हैं, महाभारत में गाथा गीत होता है। फिर टेंडर, टेंडर का मतलब होता है नाजुक या प्रारंभिक, यह कह सकते हैं बचपना, उसको हम टेंडर बोलते हैं। फिर अडॉप्ट, अडॉप्ट माने होता है गोद लेना। रिकॉग्नाइज लिखा है बच्चों, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है मान्यता देना, या रिकॉग्नाइज माने पहचानना भी होता है। फिर एनेक्स, एनेक्स का मतलब होता है मिला लेना, छीन लेना, छीनना, या हड़प लेना, ऐसे भी इसका मतलब निकाल सकते हैं। फिर लिखा है रिबेल, रिबेल का मतलब होता है विद्रोह करना, किसी के विरोध में खड़े हो जाना, उसको कहते हैं विद्रोह करना। रिप्रेजेंटेटिव लिखा बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव, तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि, जैसे कि हमारे गांव का रिप्रेजेंटेटिव प्रधान होता है, ठीक है, हमारे नगरों में जैसे महापौर होते हैं, मेयर वगैरह, उनको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। फिर बिसीज, बिसीज का मतलब होता है घेर लेना, चारों तरफ से घेर लेना, उनको बिसीज कहते हैं, बिसीज माने घेर लिया या घेरा डालना। फिर लिखा अल्टीमेटली, अल्टीमेटली का मतलब अंततः, यानी कि लास्ट में कह सकते हैं इसको, जैसे कहते हैं लास्ट में, अंत में ये हुआ कि सब कुछ ऐसा हो गया, तो उसको अंततः बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं अल्टीमेटली। फिर सराउंड, सराउंड माने होता है घिर जाना, सराउंड माने चारों ओर भी होता है। इसके बाद लिखा रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है वापसी, यानी वापस आ जाना, वापसी होना। फिर फैटली, फैटली का मतलब होता है घातक रूप से, यानी कि बहुत ही खतरनाक रूप से। लास्ट में कहा बच्चों इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, अमर हो जाना, जैसे कि झांसी की रानी मरी नहीं, वो अमर हो गए क्योंकि आज हम उनको याद कर रहे हैं। तो जिन लोगों को बुलाया नहीं जाता वो एक तरह से अमर होते हैं, वो मरे नहीं होते हैं। चलिए अब कहानी को पढ़ लेते हैं विस्तार से, तो मीनिंग थे, तो आपको हम थोड़ा होमवर्क भी दे दें, आपके ये मीनिंग्स जो हैं विद स्पेलिंग आपको बच्चों घर पर याद करने हैं बढ़िया से, और सुनकर भी कहिए कि याद हो गए होंगे, तो हमें उम्मीद है आप इसको याद करके और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे कि हमें इतने मीनिंग याद हो गए। चलिए पढ़ते हैं कहानी। तो ध्यान से समझेंगे, स्टार्ट करते हैं सारे बच्चे जहाँ भी बैठे हुए हैं आप लोग, जब अपने घरों में, कमरों में, कहीं भी, या अगर आपके पास ये वाली बुक है तो उसको निकाल लेंगे और जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से उंगली रखते हुए चलेंगे। लेसन नंबर 10 है रानी लक्ष्मीबाई का नाम है, हिंदी में भी रानी लक्ष्मीबाई नाम तो नाम होता है। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है नो अदर वुमेन वॉरियर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ मेड सच अ माइटी इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एट द रानी, द रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई। नो अदर, नो माने कोई नहीं, अदर माने दूसरा, वुमेन माने स्त्री, वॉरियर माने योद्धा, यानी किसी दूसरी महिला योद्धा ने इन माने में हिस्ट्री माने इतिहास ऑफ माने के इंडिया माने भारत, यानी कि भारत के किसी, भारत के इतिहास में किसी दूसरी महिला स्त्री ने हैज़ मेड माने किया है सच माने इस तरह का एमआईटी इन्फ्लुएंस कम होता है बहुत ही वीरोचित प्रभाव ऑफ द माइंड्स माने मस्तिष्क पर ऑफ द पीपल लोगों के ऑफ इंडिया माने भारत के द रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई। कहने का मतलब कि भारत के इतिहास में किसी भी दूसरी महिला योद्धा ने इतना वीरोचित, इतना कह सकते हैं इतना शक्तिशाली जो प्रभाव है भारत के लोगों के दिमाग पर नहीं छोड़ा जितना कि रानी लक्ष्मीबाई ने। हर हीरोइक बैटल टू फ्री इंडिया फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश हैज़ बिकम द टॉपिक ऑफ मैनी फोक सॉन्ग्स एंड बैलेड्स ऑल ओवर द कंट्री। हर मन उसके हीरोइक बैटल का मतलब होता है उसके वीरतापूर्वक युद्ध ने टू फ्री इंडिया यानी भारत को आज़ाद कराने के, भारत को आज़ाद कराने के वीरोचित युद्ध ने फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ब्रिटिश हैज़ बिकम द टॉपिक द फ्रॉम द क्लचेज, क्लचेज मानती है पकड़ ऑफ ब्रिटिश माने ब्रिटिश की यानी अंग्रेज़ों की,
हैज़ बिकम, वो बिकम हैज़ बिकम माने हो गया, बन गया, टॉपिक माने विषय, और मैनी फोक सॉन्ग का मिलता है बहुत सारे, मनी माने बहुत सारे, फोक सॉन्ग का मिलता है लोकगीत, बहुत सारे लोकगीत एंड बल्लर्ड्स और गाथा गीत जिसे कहते हैं, गाथा गीतों का विषय बन गया ऑल ओवर द कंट्री पूरे देश में। यानी कि उसका जो वीरोचित युद्ध था, वीरतापूर्व युद्ध था भारत को आज़ाद कराने का अंग्रेजों की पकड़ से, वो भारतीय लोगों के लोकगीत और वीर गाथाओं के यानी कि गाथा गीतों का एक विषय बन गया। रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग ब्रेवरी ब्रेवली फॉर द सेक ऑफ हर कंट्री। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई डाइड माने स्वर्ग से धार गई, मर गई कह सकते हैं, फाइटिंग लड़ते हुए ब्रेवली बहादुरी से फॉर द सेक ऑफ हर कंट्री, फॉर द सेक ऑफ हर कंट्री, अपने देश की सुरक्षा के लिए, देश के लिए कह सकते हैं, अपने देश की आज़ादी के लिए, अब देश के लिए रानी लक्ष्मीबाई जो थी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। लक्ष्मीबाई वाज बॉर्न ऑन नवंबर 16, 1834 इन वाराणसी यूपी। लक्ष्मीबाई जो थी वाज बॉर्न माने पैदा हुई थी, उनको जन्म हुआ था ऑन नवंबर 16 नवंबर 1834 में वाराणसी, वाराणसी में यूपी, माने यूपी में। लक्ष्मीबाई का जन्म जो था 16 नवंबर 1834 को वाराणसी में हुआ था। इन हर चाइल्डहुड, इन माने में हर माने अपने चाइल्डहुड माने बचपन, अपने बचपन में शिवाज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ मणिकर्णिका और मनु, शिवाज कॉल्ड उनको कहा जाता, देखो पैसिव वॉइस है शिवाज कॉल्ड, उनको कहा जाता था बाय माने से द नेम माने नाम ऑफ मणिकर्णिका माने मणिकर्णिका और मनु या मनु, यानी कि उनके बचपन का नाम या उनको बचपन में मणिकर्णिका या मनु नाम से पुकारा जाता था या बुलाया जाता था। एट अ टेंडर एज, एट माने में, टेंडर माने होती है नाजुक एज माने उम्र, यानी अपनी नाजुक उम्र में ही, यानी कि कम उम्र में ही शी लर्नड हॉर्स राइडिंग, शी उसने लर्नड माने सीख लिया, हॉर्स राइडिंग माने होती है घुड़सवारी, एंड मार्टियल आर्ट, मार्टियल आर्ट का मतलब होता है वही युद्ध कौशल है ना, युद्ध की कला। When she was only 8 years old, when माने जब she was वह थी ओनली माने केवल 8 years old, जब वो 8 साल की थी, जब वो 8 साल की थी तभी उन्होंने घुड़सवारी युद्ध कला ये सब सीख लिया। और आज के बच्चे बेचारे पढ़ना नहीं सीख पाते हैं, कितनी कितनी एक तरह से दुख की बात है, हमको भी ऐसा अपने बच्चों को बनाना चाहिए। She was married to राजा गंगाधर राव ऑफ झांसी। शिवाज मैरिड माने उनकी शादी कर दी गई टू राजा गंगाधर राव, राजा गंगाधर राव से ऑफ झांसी, झांसी के यानी झांसी के राजा गंगाधर राव थे, उनसे उसकी शादी कर दी गई कम उम्र में ही। एंड माने और सो लक्ष्मीबाई वाज कॉल्ड रानी ऑफ झांसी। अब राजा से झांसी के राजा से उसकी शादी हो गई, अब वो झांसी की रानी कहलाने लगी है ना, जैसे डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर नहीं कहलाती भले ही चाहे इसको कुछ भी नहीं पता हो, मास्टर की पत्नी मास्टर नहीं कहलाती भले ही कुछ नहीं पता हो, है क्या नहीं, तो इसी तरह से राजा की पत्नी रानी कहलाएगी, अब झांसी के राजा थे झांसी की रानी कहलाएगी, तो रानी लक्ष्मीबाई भी फिर झांसी की रानी कहलाई गई। इन 1851 1851 में शी गेव बर्थ टू अ सन, शी गेव उसने दिया बर्थ माने जन्म टू अ सन एक बेटे को, 1857 में उसने एक बेटे को जन्म दिया। बट वाई 1853 बोथ हर सन एंड हस्बैंड हैड डाइड। देखो कितना उस पर दुख का पहाड़ टूटा रानी की झांसी की रानी पर। बट लेकिन बाई 1853 यानी कि 1853 तक बोथ हर हस्बैंड हर सन, बोथ माने दोनों, हर माने उसका सन माने बेटा, एंड माने और हस्बैंड माने पति, हैड डाइड माने मृत्यु को सुधार गए। लेकिन 1853 में उसका बेटा उसके पति दोनों ही बेचारे दिवंगत हो गए, कहने का मतलब एक्सपायर हो गए, उनका देहांत हो गया। द रानी ऑफ झांसी अडॉप्टेड अ सन, द रानी माने रानी ने ऑफ झांसी, झांसी की रानी ने अडॉप्टेड माने गोद ले लिया सन माने एक बेटा। फिर क्या वो अकेली पड़ गई तो उसने एक बेटा गोद ले लिया, एक पुत्र गोद ले लिया। बट लेकिन द ब्रिटिश माने ब्रिटिश माने वो अंग्रेज जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन जो अंग्रेजी सरकार थी डिड नॉट रिकॉग्नाइज ने स्वीकार नहीं किया दी अडॉप्टेड सन यानी उसके गोद लिए बेटे को। लेकिन अंग्रेजी की सरकार ने उनके अडॉप्टेड सन यानी गोद लिए बेटे को डिड नॉट रिकॉग्नाइज में स्वीकार नहीं किया, उसको पहचाना नहीं, उन्होंने कहा भाई हम इसको नहीं मानेंगे। एंड अनेक्स्ट झांसी इन 1853 अंडर द पॉलिसी ऑफ लैप्स, एंड अनेक्स्ट और छीन लिया झांसी को इन 1853 1853 में
अंडर द पॉलिसी यानी कि नीति के अंतर्गत ऑफ लैप्स माने होती है हड़प नीति, पॉलिसी ऑफ लैप्स माने हड़प नीति के अंतर्गत उसने 1853 में झांसी को छीनने का प्रयास किया, छीना, क्योंकि वो गोद लिए पुत्र को जो थे अपना राजा स्वीकार नहीं करना चाहते थे। फिर क्या हुआ, देखिए कितनी बहादुरी से उन्होंने लड़ाई लड़ी। इन मे 1857 द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रोक आउट। इन मे माने मई में 1857, बहुत ही महत्वपूर्ण ये तिथि है, बहुत ही महत्वपूर्ण सन है ये, हमें ये याद रखना चाहिए, कभी कभी जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी ये आ जाता है। तो 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी का फर्स्ट माने पहला वार माने युद्ध, ब्रेक आउट माने छिड़ गया। 1857 में आज़ादी का पहला युद्ध छिड़ गया, पहला युद्ध स्टार्ट हो गया। द रानी ऑफ झांसी डिक्लेयर्ड, रानी ऑफ झांसी या झांसी की रानी डिक्लेयर्ड माने घोषणा कर दी। अब क्या घोषणा की, लिखा है उसने कहा कि आई विल नॉट गिव माई झांसी, आई विल नॉट, आई माने मैं विल नॉट गिव, नहीं दूंगी माई झांसी अपनी झांसी को, मैं अपनी झांसी को नहीं दूंगी। ऑन 4th June यानी 4 जून 1857 को दी सिपॉय रेजिमेंट स्टेशन एट झांसी रिवेल्ड। सिपॉय रेजिमेंट जो था स्टेशन एट झांसी रिवेल्ड यानी झांसी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। द ब्रिटिश कंट्रोल ब्रोक डाउन इन झांसी एंड द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव हिमसेल्फ आस्क्ड द पीपल टू ओबे द रानी। जब विद्रोह कर दिया सिपाही रेजिमेंट ने अंग्रेजों के विरुद्ध, फिर क्या हुआ, जो ब्रिटिश कंट्रोल था यानी कि अंग्रेजों का जो नियंत्रण था झांसी पर, ब्रोक डाउन, वो ढीला पड़ गया, कमज़ोर हो गया ये झांसी झांसी में। एंड द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव जो अंग्रेजों का जो प्रतिनिधि था हिमसेल्फ, उसने स्वयं आसमान ने कहा द पीपल, लोगों से, टू ओबे द रानी, रानी की बात मानने के लिए। जब अंग्रेजों का जो नियंत्रण टूट गया झांसी पर से, तो अंग्रेजों का जो रिप्रेजेंटेटिव था प्रतिनिधि, उसने खुद कहा कि भाई आप लोग रानी की बात मानिए, उनकी बातों को सुनिए। फिर आगे क्या हुआ देखिए, अंडर द लीडरशिप ऑफ सर ह्यूज रोज द ब्रिटिश फोर्सेज बिसीज्ड झांसी। अंडर द लीडरशिप यानी कि नेतृत्व के अंतर्गत ऑफ सर ह्यूज रोज एक अंग्रेजी शासक का नाम है, तो एक अंग्रेजी शासक का नाम है सर ह्यूज, उसके अंतर्गत उसके नेतृत्व के अंतर्गत ब्रिटिश फोर्स यानी अंग्रेजों की सेना ने बिसीज माने घेर लिया झांसी को घेर लिया। द रानी कंटिन्यूड टू कमांड हर फोर्सेज फ्रॉम इनसाइड द फोर्ट बट अल्टीमेटली शी वाज कंपेल्ड टू लीव झांसी। रानी जो थी कंटिन्यू लगातार टू कमांड करते रहे, नियंत्रण करते रहे हर फोर्स से अपनी सेनाओं पर, फ्रॉम इनसाइड अंदर से द फोर्ट माने किले के अंदर से उस पर कमांड करती रही, नियंत्रण करते रहे। बट लेकिन अल्टीमेटली अंततः शिवाज कंपेल मजबूर हो गए टू लीव माने छोड़ने के लिए झांसी को, लेकिन अंत में वो झांसी को छोड़ने के लिए मजबूर कर दी गई। शी रीच ग्वालियर, सी माने भय, रीच माने पहुंची, ग्वालियर माने ग्वालियर, वो ग्वालियर पहुंची। एंड विद द हेल्प ऑफ तात्या टोपे, एंड वन और विद माने से हेल्प माने सहायता, और सहायता से किसकी, तात्या टोपे की, और तात्या टोपे की सहायता से द रानी कैप्चर ग्वालियर फ्रॉम सिंधिया। द रानी ने कैप्चर ग्वालियर, ग्वालियर को कैप्चर कर लिया फ्रॉम सिंधिया, सिंधिया से जो ग्वालियर था उसको कब्जे में ले लिया। बट नाउ लेकिन अब लक डिड नॉट फेवर ऑफ हर, जो लक था, जो भाग था, डिड नॉट फेवर ऑफ हर्स के पक्ष में नहीं था, डिड नॉट फेवर पक्ष में नहीं था ऑफ हरमान के, अब जो नसीब था, जो भाग था, उसके पक्ष में नहीं था। शिवा सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स, सी माने भाई वह सराउंडेड माने घेर ली गई, फ्रॉम माने से ऑल साइड माने हर तरफ, उसको हर तरफ से घेर लिया गया। सी नाउ ट्राई टू ऑर्गेनाइज अ रिट्रीट, सी माने उसने नाउ माने और ट्राइड कोशिश की, उसने बहुत कोशिश की टू ऑर्गेनाइज अ रिट्रीट यानी कि ऑर्गेनाइज रिट्रीट माने वापस आने की, युद्ध को वापस, मतलब अपनी सेना को वापस तैयार करने की कोशिश की। कीपिंग इन माइंड को लगता है अपने दिमाग को विचार करते हुए, टू स्ट्राइक अगेन माने दोबारा से हमला करने के लिए, यानी कि दोबारा आक्रमण करने के लिए उसने वापसी की व्यवस्था करने की कोशिश की। वाइल डूइंग सो शी वाज फैटली वाउंडेड ऑन जून 1858
वाइल डूइंग सो, ऐसा करते हुए, वाइल डूइंग सो माने ऐसा करते हुए, यानी तैयारी करते हुए, वापसी की तैयारी करते हुए या लड़ते हुए, शी वाज फैटली माने होता है घातक रूप से वॉन्डेड माने जख्मी कर दी गई ऑन जून 18 जून को 1858 में, यानी कि 1858 में उनको बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया गया। एंड सी ब्रीद हर लास्ट ऑन द बैटल फील्ड, एंड माने और सी ब्रीद उसने सांस लिया लास्ट माने अपने अंतिम, यानी उसने अंतिम सांस ली ऑन द बैटल फील्ड युद्ध क्षेत्र में। एंड बिकेम इमॉर्टल, एंड मानो बीके माने हो गई इमॉर्टल माने अमर, और वह वीरांगना वीर गति को प्राप्त हो गई, अमर हो गई। वो आज भी हमारे दिलों में है, हमारे जहन में है, हमारे मस्तिष्क में है, क्योंकि उसने पहली लड़ाई आज़ादी की अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी। बहुत कोशिशों के बाद भी वो सफल नहीं हो पाई, लेकिन उसने एक हमें संदेश दे दिया कि हमारे देश की जो वीरांगना है, जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, इतनी बहादुर होती हैं, इस मिट्टी में इतनी खुशबू, इतनी जान है कि किसी को भी लोहे जैसे मौजूद कर देती है। तो हमें इस चैप्टर से सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपने घर की जो बेटियाँ हैं, महिलाएँ हैं, माताएँ हैं, बहनें, उनको इस तरह से बहादुर बनाना है, बहादुर करना है। तो इस कहानी को आपको समझ में आया होगा हमें उम्मीद है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम आपसे कहते हैं कि कहानी कैसे लगी, आपको पढ़ाने का ढंग कैसा लगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इससे और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। अगली वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।